changes. Welcome to भाई की पढ़ाई सब्सक्राइबर, और जिन्होंने नहीं किया वो कर दो। कर दिया, चल पढ़ाओ। और भाई लोग, मस्त कट रही है जिंदगी, तो कंटिन्यू करते हैं अपनी इस कहानी को। तो एक सवाल जो मन में आता है कि यार ये मेटल्स आते कहां से हैं, ये पैदा किधर से होते हैं। यारो, जो मेटल्स हैं वो अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं, बल्कि सच तो ये है कि तुम्हें फ्री मेटल अर्थ की क्रस्ट में नहीं मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा तुमने जमीन खोदी और तुम्हें पोटेशियम मिल जाए, ना। ऐसा होता तो पोटेशियम तो एयर के कॉन्टैक्ट में आती, उसमें आग लग जाती। इसलिए तुमको अर्थ की क्रस्ट में फ्री मेटल कभी नहीं मिलेगा, जैसे मुझे पिज्जा की क्रस्ट में कभी भी चीज नहीं मिलता। पता नहीं क्या बेकार सा पिज्जा बनाते रहते हैं ये दुकान वाले, कितना ही बोल लो अच्छे से कभी चीज डालते ही नहीं है। और उनकी एड्स देखो, ऐसा लगता है सारा दुनिया का चीज इन्हीं की क्रस्ट में भरा पड़ा है। सालों पर केस ठोकना पड़ेगा मिसलीडिंग एड्स का, तभी सुधरेंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, अर्थ की क्रस्ट में कभी भी फ्री मेटल नहीं मिलेगा, मिलेंगे तो मेटल्स के सॉल्ट, और फिर कुछ साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोसेसेस से इन सॉल्ट से हम प्योर मेटल निकाल सकते हैं। तो बस हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमको प्योर मेटल कैसे मिलेगा। सबसे पहले बात करें मिनरल्स की। ये मिनरल्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन सुनो। मिनरल्स आर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच अकर नेचुरली इन द अर्थ्स क्रस्ट। तो वो हर एलिमेंट और कंपाउंड जो अर्थ की क्रस्ट में है उसको मिनरल बोलेंगे। अब जो सोच रहा है, भाई ने तो बोला था कि मेटल फ्री स्टेट में अर्थ की क्रस्ट में मिलते ही नहीं है, मिलते हैं तो सिर्फ मेटल्स के सॉल्ट। तो मिनरल्स की डेफिनेशन में एलिमेंट्स क्यों लिखा हुआ है, सिर्फ कंपाउंड होना चाहिए। तो दोस्तों, जो मेटल्स लीस्ट रिएक्टिव हैं, यानी जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे बैठे हुए हैं, वो अर्थ की क्रस्ट में फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम और कॉपर। इसलिए एलिमेंट्स भी क्रस्ट में मिलते हैं। अच्छा, तो यार मान लो तुमने किसी मेटल के सारे मिनरल्स लोकेट कर लिए, पर तुम उन सारे मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करने थोड़ी जाओगे। मान लो उस मेटल का मिनरल किसी पहाड़ की चोटी पर है और है भी बहुत थोड़ा सा, तो कौन खुदाई करने जाएगा वहां, इतना खाली कोई नहीं है। सिर्फ वही मिनरल्स यूज किए जाते हैं जो प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हो, अपना पेट भी तो पालना है भाई। तो जिन मिनरल्स से मेटल्स प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है उनको ओर्स बोलते हैं। इंग्लिश में सुनो, ओनली फ्यू मिनरल्स आर यूज टू एक्सट्रैक्ट द मेटल प्रॉफिटेबली, दीज मिनरल्स आर कॉल्ड ओर। मेटल्स की रिएक्टिविटी पर डिपेंड करेगा कि ओर कैसी होगी। अब मैं ओर वर्ड का बार बार यूज करने वाला हूं, तो ओर और मैं सुनते वक्त कंफ्यूज मत हो जाना। ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो, तो जैसा मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जो कम रिएक्टिव है वो फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो कभी भी फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। उनके हमेशा ऑक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर या सल्फाइड ओर पाए जाते हैं। अच्छा, जब तुम्हें ओर मिलेगा उस पर दुनिया भर की गंदगी होगी, जैसे धूल, मिट्टी या किसी जानवर का गू भी चिपका हो सकता है। ओर पर लगी इस गंदगी को गेज कहते हैं। एग्जाम में इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, तो एग्जाम में जानवर का गू तो लिखोगे नहीं, तो जो डेफिनेशन है मैं बता रहा हूं वही लिखना। ओर्स माइंड फ्रॉम द अर्थ आर कंटेमिनेटेड विद लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच एज सॉइल, सैंड एटसेट्रा, कॉल्ड गेज। तो अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिनरल, ओर और गेज की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट थी। तो अलग अलग मेथड से ओर पर से ये इम्प्योरिटीज रिमूव करी जा सकती हैं, और इस प्रोसेस को कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर्स कहते हैं। ओर्स के कॉन्सेंट्रेशन के अलग अलग मेथड्स तुम 12वीं में पढ़ोगे, अगर 11वीं में साइंस स्ट्रीम में पास हुए तो।
कंसंट्रेशन ऑफ ओर हो जाने के बाद आगे क्या होगा वो डिपेंड करेगा कि ओर जिस मेटल का है उस मेटल की रिएक्टिविटी कैसी है। तो रिएक्टिविटी की तीन कैटेगरीज हैं। फर्स्ट, मेटल्स लो इन द रिएक्टिविटी सीरीज। सेकंड, मेटल्स इन द मिडल ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज। थर्ड, मेटल्स टुवर्ड्स द टॉप ऑफ द रिएक्टिविटी सीरीज। बात करें पहले कैटेगरी के ओर्स की कि उन ओर्स से मेटल्स कैसे मिलेगा, तो इधर दो ओर्स का जिक्र किया गया है। पहला ओर है HGS, जिसको सिनेबार भी कहते हैं। अब इससे मर्क्यूरी कैसे मिलेगा, तो भाई कुछ नहीं करना, सिर्फ हीट करना है। इस मर्क्यूरी सल्फाइड को हीट करोगे तो ये मर्क्यूरी ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, और ऐसे ही हीटिंग चलती रही तो मर्क्यूरी ऑक्साइड से मर्क्यूरी मिल जाएगा। इक्वेशन देखो, HgS plus O2 heat gives HgO plus SO2. HgO heat gives Hg plus O2. देखो मिल गया मर्क्यूरी। दूसरी ओर है कॉपर सल्फाइड यानी Cu2S। इससे हमें कॉपर निकालना है, देखते हैं कैसे निकलेगा। इधर भी सेम मेथड रहेगा, बस हीट कर दो। ये भी पहले कॉपर ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा और फिर कॉपर मेटल में। इक्वेशन देखो, Cu2S plus O2 heat gives Cu2O plus SO2. Cu2O plus Cu2S heat gives Cu plus SO2। और ये इक्वेशंस इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लेना। अब कुछ सोच रहे होंगे कि यार इस कैटेगरी में तो गोल्ड और सिल्वर की ओर भी तो आनी चाहिए। अबे यार वो तो मिलती फ्री स्टेट में है, तो उनकी ओर से मेटल एक्सट्रैक्ट करने की क्या ही बात करें, खुशी मनाओ कि फ्री स्टेट में मिलते हैं, वरना चार और इक्वेशन याद करनी पड़ती।